हम में से कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि सुबह उठकर ये सोचता होगा कि आज मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा। लेकिन सुबह से लेकर रात तक हम कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं होता और हमारी लाइफ वेस्ट हो रही है। सबसे पहले शुरुआत होती है जिस टाइम पर हम सोचते हैं उस टाइम पर नहीं उठते हैं। सोचते हैं कि हेल्दी खाएंगे लेकिन फिर दिन में कुछ ना कुछ बेकार खा ही लेते हैं। सोचते हैं कि अपने करियर के बारे में सोचेंगे, कुछ करेंगे लेकिन कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते। एक मीम मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था, मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है कि इंसान हकते वक्त करियर के बारे में सोचता है और करियर बनाते वक्त हक देता है। शायद ये आपको कड़वा लग रहा होगा लेकिन ये एक सच है। और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं। सोचते हैं कि बुक रीड करना स्टार्ट करूंगा लेकिन नहीं कर पाते, और इस तरह के छोटे छोटे डिसीजन आपको कितने गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। आने वाले 2 से 3 साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे तो पाओगे कि यार मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, क्यों मैं बर्बाद हूं इन्हीं छोटे छोटे डिसीजन की वजह से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता, और वो आप सबके पास में, और वो है टाइम। लेकिन ये टाइम भी आपके पास नहीं रहना चाहता, ये टाइम भी अभी जा रहा है, और जो टाइम जा रहा है वापस कभी नहीं आएगा। और जब ये टाइम निकल जाएगा और आप पीछे मुड़ करके देखोगे तो खुद पर शर्म आ रही होगी आपको, कई सारी अपॉर्चुनिटीज निकल चुकी होगी। पर सबसे अच्छी बात की अभी आपके पास संभलने का मौका है, अभी टाइम है उन अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करने का। आपका कॉम्पिटिशन कहीं और नहीं है, अपने आसपास के लोगों को देखो और उनसे आगे निकल जाओ। जब उनसे आगे निकल जाओ तो अपनी फील्ड में देखो कि आगे कौन है, फिर उनसे आगे निकल जाओ। हर रोज खुद को बेहतर बनाओ, अगले 1 महीने में अपने आपको इतना बेहतर बना लो जितना कि आपने पिछले 1 साल में अपने आपको नहीं बनाया होगा। और सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिशन है वो है आपका खुद से। और ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन लोग इसको सीरियसली लेते ही नहीं है। मैंने देखा है कई लोग खुद से रोज हार रहे हैं, बेहतर बनना तो दूर की बात, जैसे वो है वैसे तक नहीं रह पा रहे हैं, पहले से भी ज्यादा गिर रहे हैं लोग। अरे दूसरों से क्या आगे निकलना जब इंसान खुद से आगे नहीं निकल पा रहा है। जिस दिन से आप हर दिन अपने आप से आगे निकलना शुरू कर दोगे, आप पाओगे कि आपके आसपास आप सबसे आगे होंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि खुद का बेटर वर्जन बन पाते हैं। आपको सिर्फ खुद से आगे निकलना है, खुद से आगे निकलो, एक दिन पूरी दुनिया से आगे होंगे। तुम्हें सिर्फ खुद की खोज में निकलना है, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तो सही तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लो नहीं तू क्रोध की मशाल है, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आज का दिन बीत गया, कल नया सूर्योदय होगा, आज भले मैं थक हारा कल नया जीवनोदय होगा, एक नया विश्वास में भरता रहूंगा, जीतने की कोशिश मैं हमेशा करता रहूंगा, हारा हूं पर थका नहीं हूं, डगमगाया पर गिरा नहीं हूं, बुलंद हौसले मजबूत इरादे जब तक सांसें हैं मैं लड़ता रहूंगा, जीतने की कोशिश मैं हमेशा करता रहूंगा। वक्त वो आ चुका है जिसका तुझे इंतजार था, बन के दिखा सितारा जिसके लिए तू बेकरार था, अब हो जाओ तैयार, सुबह का इंतजार है, रख यकीन अब तेरी काबिलियत तेरी हथियार है, मायूस मत होना हर वक्त ईश्वर का हाथ है, अब घबराना नहीं दुआएं हजारों तेरे साथ है, आज तक माँ बाप ने तेरे हर सपने को पूरा किया है, मौका है तेरे हाथ में जाकर उनका कर्ज चुका, उड़ान भर आसमान की ज्ञान से सारा आसमान चुका, डाल दे जान जुनून जीत कर तुझे आना है, अपने माँ बाप के लिए नया लक्ष्य लाना है और कामयाब होकर आना है, सबको ये बताना है। इस वीडियो की कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर टैग करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।